राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने दो दिवसीय प्रवास पर गंगानगर जिले में है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार श्री गंगानगर पहुंचे हैं, जहां उनका भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। सीपी जोशी गंगानगर के करणपुर विधानसभा में हो रहे चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे। बता दें, श्री गंगानगर पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जोशी ने राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को साथ शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी मिनी मंत्रिमंडल बनेगा, बाद में उसका विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा करणपुर विधानसभा का चुनाव भी जीतेगी, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगी। देश में सबसे ज्यादा महंगी दरों पर पेट्रोल डीजल श्रीगंगानगर में मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी सभाओं के दौरान पीएम मोदी ने समीक्षा की बात कही थी, अब वो निश्चित रूप से काम करेंगे। इसी अवसर पर उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन मंत्र देते उन्होंने कहा कि संगठन को सर्वोपरि समझते हुए राष्ट्र के लिए कार्य करना ही भाजपा कार्यकर्ता की पहचान है।